हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी शो। गाइस, आज का वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 4 मार्च 2022 से। हालांकि आपका एग्जामिनेशन 11 अप्रैल 2022 तक चलेगा, बट उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को हम लोग देखने वाले हैं। एंड ग्रेड कार्ड चेक करने का आपका जो पोर्टल है उसको चेंज किया गया है, न्यू टाइप का पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में देखेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट किए हैं, देन उस असाइनमेंट के अपडेट को देखने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। सो वीडियो में लास्ट तक सभी स्टूडेंट जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। राइट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, सो गाइस, चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं आपका ग्रेड कार्ड का पोर्टल चेंज किया गया है, जो कि आपको नया देखने को मिलेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, उसके बाद हम लोग अदर अपडेट के ऊपर बात करेंगे। फाइन, तो ये रहा आपका, यहाँ से आप अपना ग्रेड कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देन यहाँ से आपको सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, BCA MCA होगा, BDP होगा, BA होगा, VCOM होगा, अदर प्रोग्राम होगा, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड डालकर यहाँ पर सर्च पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने पहले अपना ग्रेड कार्ड चेक करा है, उन्हें पता होगा कि ग्रेड कार्ड चेक करने का पोर्टल पहले ये नहीं था, इसमें चेंजिंग किया गया है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब आप इस पोर्टल से अपने ग्रेड कार्ड को चेक कर पाएंगे। राइट, एंड चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, उनके अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो गाइज, उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर। यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे, देन आपका प्रोफाइल इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। और जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे आएंगे, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा पिंक कलर में, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। राइट, तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट का स्टेटस शो करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 मार्च 2022 को अपडेट किया गया है। ये स्टूडेंट्स ने अपना दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करा था, सेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हो दिसंबर 2021। राइट, कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है, रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड, ये लिखने का मतलब ये है कि आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, उसका प्रोसेस चल रहा है, वो चेक हो जाएगा, उसका मार्क्स जब दे दिया जाएगा, देन आपको आपके ग्रेड कार्ड पर आपका मार्क्स शो कर देगा, जो कि आप यहाँ पर जैसे ही आओगे, देन यहाँ पर आप ग्रेड कार्ड देख पा रहे होगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देन मार्क्स अपडेट करने के बाद आपको यहीं पे शो करेगा, और ये आपके एग्जाम हो जाने के बाद आपको इसका मार्क्स शो करेगा। राइट, बट आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है, बिकॉज आप अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, तो आप अपना एक बार स्टेटस को जरूर चेक कर लें, आपका असाइनमेंट रिसीव हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, और जैसे ही मार्क्स अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपको ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए। ठीक है, एंड गाइस, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया होगा, तो सभी का इस तरीके का स्टेटस शो करेगा कि रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपना असाइनमेंट को लेट से सबमिट किया होगा, तो यहाँ पर स्टेटस अपडेट होने में उनका टाइम लग सकता है, बट अपडेट जरूर कर दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स का इसके अलावा कुछ और शो कर रहा है, या फिर किसी और तरीके की परेशानी उनको फेस हो रही है असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड, देन वो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताए रहे। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट अगर ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में सबमिट किया होगा, तो सभी के पास रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट को जरूर संभाल कर रखें, बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी कि किसी एक कोर्स कोड का आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं किया जाता है किसी भी रीजन से, या तो आपका असाइनमेंट चेक नहीं हुआ हो, या फिर आपने सबमिट नहीं किया, छूट गया किसी भी रीजन से, तो आपके पास अगर रिसिप्ट नहीं रहेगा, देन आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो आप अपने रिसिप्ट को संभाल कर जरूर रखें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे चल के। ठीक है, अगर आपके साथ कोई इस तरीके का इशू हो जाए तो, कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट ही ना हो, फाइन, तो उस टाइम में वही रिसिप्ट आपका काम देगा। अगर आपने ऑफलाइन मोड में सबमिट किया होगा, तो आपके पास रिसिप्ट मिला होगा स्टडी सेंटर से, एंड जो स्टूडेंट्स ने अगर ऑनलाइन मोड में किया होगा, अगर ईमेल के थ्रू, तो उनका सेंड बॉक्स में होगा, तो वही आपका प्रूफ हुआ। अगर गूगल फॉर्म के थ्रू किया होगा आपने, तो लास्ट में जो सक्सेसफुली सबमिट का आपका मैसेज आता है, तो वही आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो सभी रिसिप्ट को आप जरूर लास्ट तक संभाल के रखें, जब तक कि आपका पूरा असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट ना कर दिया जाए। राइट, एंड गाइस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो अभी एग्जामिनेशन चल रहा है दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन, जो कि 4 मार्च 2022 से कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके रिजल्ट के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है अभी अपडेट नहीं किया गया है, बट आपको अभी 20 तारीख के बाद आपको इसका फर्स्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा,
बिकॉज इग्नू में पहले होता था कि आपका 45 डेज लगता था इस रिजल्ट को अपडेट होने में, बट अभी आप जब एग्जामिनेशन देते भी रहते हो तो उसी टाइम आपका रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद आपका फर्स्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका पूरा एग्जामिनेशन खत्म हुआ होगा या फिर नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन आपने दे दिया है उसका कॉपी चेक हो रहा होगा अभी, और फर्स्ट अपडेट आपको 20 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा, यही 20 मार्च, ठीक है। तो जब भी अपडेट किया जाएगा देन मैं आपको अपडेट कर दूंगी, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल पाए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।